बिल्डिंग सील हो चुकी है, वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना है। कल मैंने आपसे कहा था व्लॉग 10 बजे आएगा, जस्ट अभी व्लॉग अपलोड हुआ है, टाइम हुआ है 11:30। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। ये जो 10 बजे वाला फंडा है, ये धीरे धीरे मैं एडजस्ट करूंगा। पहले तो मेरे दिमाग में चलो तो ये टाइम थोड़ा मैं चेंज करूँ, चेंज करने का सोच भी रहा था, उसके ऊपर पोल भी लिया, लेकिन पोल से मैं डिसाइड नहीं कर सकता बिकॉज अपनी बहुत सारी ऐसी भी जनता है जो यूट्यूब पर है और इंस्टाग्राम पर नहीं है। तो अभी के लिए तो मैं 10 बजे वाला फंडा ही रेगुलर रखूंगा, लेकिन अभी जो मज़ा आ रहा है डेली व्लॉग्स बनाने में वो आपको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। इतना ही है कि मज़ा आ रहा है, जिस काम में मजा आता है वो काम दिल से निकलता है और दिल से जो काम निकलता है वो काम अच्छा होता है। 10 मिनट से कंफ्यूजन में हूँ, ट्रिम करूँ ना करूँ। ट्रिम करने का दिल कर रहा है बिकॉज जो भी चीज़ें मैं अभी खुद पे कर रहा हूँ उसके लिए बियर्ड ट्रिम होना जरूरी है, तो आज ही से थोड़ा ट्रिम करते हैं। अभी मेरे सामने सवाल आने वाला है, अपनी मूंछ में छोटी रखूँ, ऐसी रखूँ या निकाल दूँ। मैंने आधा कर दिया, ये साइड का थोड़ा रह गया है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, खत्म। इसकी चार्जिंग ही खत्म हुई। हेयर्स के ऊपर आजकल ज़्यादा डीएम आने लगे। आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे 6-7 महीने पहले वाले व्लॉग, तो आपको पता चलेगा मेरे हेयर्स ज़्यादा ड्राई थे, ज़्यादा डैमेज थे। तो ये जो मेरी गलती थी, ये 2-3 साल पहले मैंने स्टार्ट की। मैं हेलमेट पहनता था, ज़्यादा राइड करता था, तब भी मैं बालों के लिए कुछ भी नहीं करता था, ना कभी चंपी किया, ना बालों पर ध्यान दिया, ना ठीक से शैम्पू यूज़ किया, ना ठीक से कंडीशनर यूज़ किया। तो ये सब गलतियाँ मिला के ये सारा रिजल्ट आया था। तो आपको भी अगर तकलीफ हो रही है ड्राई हेयर की, या आपके बाल भी ख़राब हो रहे हैं, तो अभी टाइम है, उस पर ध्यान दो। छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे चंपी करना, ठीक से शैम्पू यूज़ करना, ठीक से कंडीशनर यूज़ करना, ऐसी सारी चीज़ों को मिला के हमारे बालों का रिजल्ट सामने आता है। अगर आपको आपके बालों के लिए कुछ भी करना है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी भी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। किसी का सुने सुनाई बातें अपने बालों पे अप्लाई मत करो, बाल बहुत डिलिकेट होते हैं और अपने लुक का एक अच्छा परसेंटेज बालों की वजह से कवर होता है। और हमारे मम्मी का एक नया साउथ इंडियन मूवी। लेफ्ट हैंड साइड का एक बिल्डिंग है और एक राइट हैंड साइड का बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग छोड़ के। वो दो बिल्डिंग सील हो चुकी है, वहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पे ये लोग बिल्डिंग सील करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। इतना तो पक्का है कि अभी केसेस बहुत ज़्यादा निकल रही है। ये जो पहला वेव था कोविड का, वो वेव एक बार ठीक था, लेकिन ये सेकेंड वेव बहुत डरावना है। जितने हालत इंडिया की ख़राब हो रही है, अपना मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, बेचारे डॉक्टर नर्सेज जितने भी मेडिकल रिलेटेड स्टाफ है वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। आपको जो भी लाना है मैं ला के देता हूँ ना। आपको क्या लाना है? उस दिन तो दादर से हम लोग सारा सामान लेके आए, जो कुछ नहीं है। मम्मी का मुझे ये चीज समझ में आती, जो चीज है उसमें मम्मी कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो चीज नहीं है वही लिस्ट निकाल के देगी। मुझे पता है आपको घर बैठे बैठे कंटल है, आप नीचे जाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा घूमो। तो चलो आज मेरे साथ वॉक करने आओ। एक चीज़ मेरे साथ हो रही है, मुझे बार बार अलग अलग चीज़ों का क्रेविंग हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है नींबू शरबत पीना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने वाटरमेलन खाया, लेकिन गर्मी इतनी है अभी ऐसे लग रहा है नींबू शरबत पीना है। कुछ दिनों पहले मुझे एक भाई ने कहा था कि मार्केट में रेडीमेड चीज़ें मिलती है, बॉस मम्मी के हाथ का नींबू शरबत आप पी के देखो, मार्केट वाली सारी चीज़ें भूल जाओगे। और वैसे भी मम्मी मेरी मस्त नींबू शरबत, अरे नहीं तू मस्त नींबू शरबत बनाती है मम्मी। मम्मी पता है तुझे मैंने इतने नींबू शरबत पिए, लेकिन तेरे जैसा नींबू शरबत मैंने कहीं नहीं पिया। ये सच बात है मम्मी, और मैं झूठ नहीं बोलता। तू ही तो बोली थी 3-4 व्लॉग पहले मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो अपनी जनता से अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ये भी सच है। हंस मत मम्मी, वो मेरा सेटअप है। ये लाइट को मम्मी इतनी हंसती है, बोले क्या तूने लगा के रखा है पीछे। वो सच बात है, हमें बचपन में आदत थी। देखो मुंबई का लड़का हूँ और गणपति बप्पा बोले ना तो यहाँ से, और चौल में पैदा हुआ हूँ मैं, तो चौल में गणपति जिस तरीके से सेलिब्रेट करते कहीं नहीं करते, दुनिया में कहीं नहीं करते। इतनी छोटी बप्पा की मूर्ति आती थी एक जगह पे, टेबल रख के छोटा मोटा कुछ ना कुछ डेकोरेशन करते, तो वो टाइम पे पैसे नहीं होते थे डेकोरेशन बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ वहाँ से चीज़ों का जुगाड़ करते थे और वो चीज़ों से एक छोटा सा डेकोरेशन करते थे। उनमें से आधी चीज़ें तो यहाँ वहाँ से उठा के हम लोग करते थे। तो मम्मी को अभी वो चीज़ याद है, आज मम्मी ने भी मुझे वो वाले दिन याद दिला है। मैं सच बोलता हूँ वो वाले जो मेरे दिन थे लाइफ के, क्या दिन थे, कितना मजा आता था। जैसे हम लोग स्कूल से आते थे, बैग डाला नहीं, हम लोग बाहर भागते भागते चले गए बप्पा का डेकोरेशन करने जा रहे हैं। बप्पा का डेकोरेशन मतलब गणपति आते थे, उससे पहले एक एक महीना हम लोग डेकोरेशन में बिजी करते थे, इतू सा कुछ, लेकिन एक एक महीना बिजी। और जो जोश रहता था बप्पा आने वाला दिन, ये ऐसी कोविड वाली सिचुएशन में सबसे ज़्यादा याद आती है उन दिनों की, जहाँ पे हम लोग खुले घूम रहे थे।
मम्मी और एक चीज तू भूल रही है, गणपति के दिन तू जो 21 मोदक देती थी बना के। हाँ मम्मी, वो तो तुझे याद रहेगा, चावल वाले मोदक, वो भी मम्मी। आप में से जितने भी लोगों को अलग अलग त्यौहार की यादें आती है ये कमेंट में आना चाहिए, आपको कौन से त्यौहार की याद आई ये ऐसे दिनों में जहाँ पे लॉकडाउन लगा के हम लोग घर पे बैठे। मम्मी बहुत बड़ा शुक्रिया। क्या? चाबी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मम्मी चाबी अंदर और मम्मी बाहर, डोर लॉक हो गया, कैसे वैसे डोर खोला है वॉचमैन ने, वो भी एक्स्ट्रा चाबी थी इसलिए ठीक था। अगर वो एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं होती तो उस दिन तेरे मोबाइल दिया मैं। मैक्स दिखाई नहीं दे रहा आजकल, डरपोक है। ये कैसे शांत बैठा है, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, ये क्या किया आपने पैर पे? वो तो मेरा भाई ने लिखा। मम्मी को मैं नीचे उतर नहीं देता, आज कितने दिनों के बाद मम्मी को नीचे लेके आया हूँ। वो भी आज ये घर पे बोर हो रही थी इसलिए मैंने इसे बोला चल अंदर ही अंदर तुझे घुमा के लेके आता। कैसे तू, कैसे मम्मी क्यों डर रही है, कुछ नहीं करेगा वो। ये देख देख कैसे खेल रही है, उसको कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं करेगा। एक चीज का प्लस पॉइंट है, अभी टाइम हुआ है 5 o'clock, धूप जो है धूप वो बिल्डिंग की वजह से धूप यहाँ पे नहीं आती, ग्राउंड के यहाँ नहीं आती, पीछे के साइड चली जाती है, तो यहाँ पे हम लोग 4:30 के बाद आराम से वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट अभी वॉश लिया, आज इतना अच्छा लगा, सेकेंड डे है मेरा एक्सरसाइज का, कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था पैर के रिस्ट्रिक्शंस के वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे वैसे भी करनी नहीं है जितना मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे हल्का हल्का फील होता है कि थोड़ा भी पेन स्टार्ट हो वहाँ पे मैं रोक देता हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जो भी हमारे पास टाइम आता है उस टाइम को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर हम लोग वैसा करते हैं तो जो हैप्पीनेस मिलता है अंदर से वो किसी भी सिचुएशन में हमें हैप्पी रखने के लिए काम आता है। थोड़ा ज्ञान वाला बात हुआ लेकिन ये सच है। कहाँ पे घूम रहे हो भाई? पहली बार हाथ में ले रहा हूँ ये कौन सा 12 Max Pro कवर मस्त है। अरे वो डिफेंस कवर ही डाल दिया। ओहो, आईफोन की बात ही अलग है। बेस्ट कॉल जो परेश भाई कब से बोल रहा है तू अपग्रेड कर, लेकिन अभी जो तरीके से बैंड बजी है अपग्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतनी चीज़ें, मतलब अगर मैं बजट निकालूं तो इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आएगी। बाइक को चीज़ें लेनी है, बीच में तो और भी 2-3 चीज़ें दिमाग में आई थी, वो सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन से निकलनी चाहिए। जो अपना जून का प्लान है, हम लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे थे जून में हमें एक जगह पे जाना है, वो शायद से पोस्टपोन होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो पोस्टपोन होगा, लेकिन पोस्टपोन हुआ तो भी चलेगा, 1 महीना 2 महीना कुछ भी होने दे, वो प्लान करना है, कैसे भी करके करना है। चल ख्याल रख। या आज नीचे भी कुछ ज्यादा ही शांत है, लोग नहीं है आज नीचे ज्यादा। तो गाइज बस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे भी पता है चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही है और व्लॉग में हम लोग ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकते और ये ऐसे ही चलते रहेगा, ये भी मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, तो थोड़े दिन आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़े दिन मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो प्यार मुझे दे रहे हो उस प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। मैं मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये सिचुएशन में आप मुझे इतना प्यार दोगे, लाइफस्टाइल व्लॉग को आप इतना पसंद करोगे, लाइफस्टाइल व्लॉग को आप पसंद कर रहे हो, व्यू दे रहे हो, लाइक दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। Yeah.